नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्पल पैनल में, जहां हम आपको बिजनेस वर्ल्ड जुड़ी सारी बातों की जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO के रूप में चुना गया हो। आखिर कुछ तो बात है हम भारतीयों में, जैसे दुनिया हमारी इतनी दीवानी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ सुंदर पिचाई पर, जिन्होंने तमिलनाडु की गलियों से इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, इस ऊंचाई पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से अगर कुछ कर जाने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सुंदर पिचाई का वास्तविक नाम सुंदर राजन पिचाई है। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माँ का नाम लक्ष्मी है। सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्हीं से पिचाई को भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे तो उनके पिता घर में एक लैंडलाइन फोन लेकर आए। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के शीर्ष स्थान पर कार्यरत है, उनके जीवन में ये सबसे पहला टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई वस्तु था। सुंदर पिचाई में एक बहुत ही विशेष गुण था कि वह आसानी से अपने टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबरों को याद कर लिया करते थे, और आज भी उनसे उन नंबरों के बारे में पूछे जाने पर वो नंबर याद रहते हैं। दरअसल सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद रह जाते थे। पढ़ाई में तो वे अच्छे थे ही, साथ ही साथ वो क्रिकेट के भी दीवाने थे और अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम की कप्तानी भी करते थे। सुंदर पिचाई ने जवाहर विद्यालय में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की, फिर चेन्नई के वानावाड़ी स्कूल में अपनी 12वीं की परीक्षा और फिर IIT खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने हर जगह टॉप किया और IIT में उन्हें रजत पदक से भी सम्मानित किया गया। छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया और भौतिक विज्ञान में मास्टर्स इन साइंस की डिग्री पूरी की। आखिर में वे MBA की पढ़ाई के लिए वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गए। गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई मैकिन्सी एंड कंपनी एंड अप्लाइड मटेरियल्स में अपना योगदान दिया था। पिचाई 2004 में पहली बार गूगल से जुड़े। शुरू में उन्होंने एक छोटे सी टीम के साथ गूगल सर्च टूल बार पर काम किया। गूगल में काम करते समय सुंदर पिचाई के मन में एक नया आइडिया आया, वो था खुद का इंटरनेट ब्राउजर बनाने का। उस समय गूगल के CEO से पिचाई ने खुद के इंटरनेट ब्राउजर बनाने की बात की तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट कहकर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पिचाई ने हार नहीं मानी और गूगल के अन्य पार्टनर से बात करके उन्हें मना लिया। 2008 में सुंदर पिचाई की मदद से गूगल ने खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च किया, जिसका नाम क्रोम दिया गया। आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। यही गूगल कंपनी में सुंदर पिचाई का टर्निंग पॉइंट था। उनकी लगन को देखते हुए उन्हें हर प्रोडक्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त हुए और देखते ही देखते पिचाई CEO की दौड़ में भी शामिल हो गए। गूगल के CEO बनने से पहले उनके पास माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर का भी ऑफर आया, लेकिन उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए गूगल ने उन्हें बहुत सारे पैसे बोनस के रूप में देकर उन्हें रोक लिया। आखिरकार 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO बना दिया गया। इतनी बड़ी सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के सरल स्वभाव का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनके सरल स्वभाव की वजह से उन्हें हर कोई अपना मानता है। दोस्तों, लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद आसमान का। सुंदर पिचाई एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे हम सफल होने की कई सारी बातें सीख सकते हैं, जैसे फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स का सलूशन आज ही कर लो। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनके बारे में हमें ये पता होता है आज नहीं तो कल वो जरूर आनी है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में भी हो तो उनका सलूशन आज ही सोच लो। दूसरा, अपने टैलेंट को पहचानो। सुंदर पिचाई ये बचपन में ही जान गए थे कि उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज है, यानी कि वो चीजों को दूसरों से बेहतर याद रख पाते हैं, और उसी क्वालिटी की वजह से उन्हें कंप्यूटर में दिलचस्पी बाद में आई, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नंबरों का ही खेल है। हमारे अंदर भी कई टैलेंट होते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी जानने की कोशिश नहीं करते। नंबर 3, संघर्ष ही आपको सफल बनाता है। ये बात सच भी है, जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है वही सफलता भी पाता है, क्योंकि वो हमेशा सफल होने की कोशिश करता है। नंबर 4, बिलीव इन टीम वर्क। सुंदर पिचाई हमेशा कहते हैं कि आपको एक टीम के रूप में बेहतर काम करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद एक अच्छा टीम लीडर बनना होगा और अपनी टीम पर हमेशा विश्वास रखना होगा। नंबर 5, अपने सपनों को फॉलो करो। नंबर 6, फेलियर से कभी मत डरो और दूसरों की सफलता और असफलता से हमेशा कुछ सीखो। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर्पल पेनन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।